उदाहरण चार, यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो 5 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा + 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको दिया है 5 tan थीटा = 4 और इसमें हमको 5 sin थीटा - 3 cos थीटा / sin थीटा + 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया है यहाँ, और जो दिया है उसके उसकी सहायता से, उसके मदद से हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है 5 tan थीटा = 4। हम इसको और थोड़ा सरल करें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अनुपात दिया है। तो ये हम लिख सकते हैं कि 10 थीटा = 4/5। तो हम ये जान सके कि यहाँ पे 10 थीटा 4/5 दिया है, एक अनुपात हमको दिया हुआ है। और जो ज्ञात करना है वो हम देख लें। अब ज्ञात करना है तो जिसका मान हमको ज्ञात करना है वो हम देखते हैं, और इसके लिए हम क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। 5 sin थीटा - 3 cos थीटा / sin थीटा + 2 cos थीटा। तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यदि साइन थीटा का मान मालूम रहता, कॉस थीटा का मान मालूम रहता, तो इसमें हम रख लेते और मान ज्ञात कर लेते। लेकिन हमको दिया है यहाँ पर 10 थीटा का मान, तो हम ये सोचें कि साइन थीटा को हम 10 थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें इसी की मदद से 10 थीटा लाना होगा, और 10 थीटा का मान फिर रख कर इसके मान की हमको गणना करनी होगी। तो हम यहीं से फिर लेके चलते हैं। अब 5 sin थीटा - 3 cos थीटा / sin थीटा + 2 cos थीटा। इसमें हम सोचते हैं कि यदि हम साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर देते हैं तो ये 10 थीटा बन जाएगा। ऐसे ही हर में भी ये साइन थीटा जो है वो साइन थीटा को हम कॉस थीटा से भाग करेंगे तो 10 थीटा बन जाएगा, और कॉस थीटा से इसको भाग करेंगे तो ये कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा भी 1 हो जाएगा कट कर। तो हम अंश और हर में यहाँ भाग कर लेते हैं। अंश और हर में कॉस थीटा का भाग करने पर, अब ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा इस रूप में, बराबर करके हम लिख रहे हैं इसको। अब 5 5 रहेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, 5 sin थीटा / cos थीटा ये हो गया। और ऐसे ही इसको हम लिख लेंगे 3 cos थीटा / cos थीटा और पूरे का बटा, यह हम बराबर का चिन्ह लगा लें। तो ये हो जाएगा साइन, नीचे भी हमको भाग करना है कॉस थीटा से, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा ये, फिर प्लस है, और 2 cos थीटा / cos थीटा। हमने यहाँ पे अंश और हर में कॉस थीटा से भाग किया है, और इसे हम सरलीकृत करके लिखेंगे। तो जब हम इसको सरलीकृत करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा उसको हम लिख लेंगे ये 10 थीटा, 5 tan थीटा हो गया, और कॉस थीटा बटा कॉस थीटा था तो कट जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 3, इसका बटा हो जाएगा, ये होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पर भी 10 थीटा हो जाएगा ये, और प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा हो गया, तो फिर यहाँ पे बच गया 2। अब ये हम जो मान जानते हैं उस रूप में आ गया है,
चूंकि हमको मान मालूम है टेन थीटा का और टेन थीटा के रूप में आ गया, तो हम टेन थीटा का मान यहाँ रख सकते हैं। तो टेन थीटा हमको कितना दिया है, चूंकि टेन थीटा बराबर चार बटा पाँच ये हमको दिया है, तो अब हम ये मान रखेंगे इसमें। तो मान रखने पर पाँच, टेन थीटा की जगह में हम रखेंगे चार बटा पाँच ऋण तीन बटा टेन थीटा का, फिर नीचे भी मान रखेंगे चार बटा पाँच और धन दो। ऊपर देखिए अभी पाँच और पाँच कट जाएगा, तो पाँच और पाँच कटा तो ऊपर आया चार बचा चार ऋण तीन, तो इसको हम लिख लेते हैं चार ऋण तीन बटा, यहाँ नीचे में एक भिन्न में है और एक पूर्णांक में है, तो चार बटा पाँच धन दो, तो इसका हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो के नीचे में कुछ नहीं है तो हम मान के चलेंगे एक, तो हम लघुत्तम लेंगे पाँच और एक का, तो पाँच और एक का लघुत्तम आएगा पाँच, ये पाँच हो गया। फिर पाँच से इस पाँच को भाग किया एक आया, एक का गुणा चार से किया चार एक कम चार हुआ, ये बीच में धन चिन्ह है ये धन चिन्ह लगा दिए। एक से इस पाँच को भाग किया एक पाँच बार में जाएगा, पाँच का गुणा दो से हो जाएगा, तो पाँच दूनी दस। तो अब ये हो गया चार ऋण तीन हो गया एक, और चार धन दस हो गया चौदह, चौदह बटा पाँच, ये संख्या उलट जाएगी। हम ये जानते हैं कि जब एक बटा ए अपान बी ऐसा होता है तो उसको हम लिख देते हैं बी अपान ए, इसलिए इसको हम लिख देंगे पाँच बटा चौदह, और यही हमारा उत्तर होगा। कि जो हम बाईं तरफ लिख रहे थे, जो मान हमारे पास था कि फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा बराबर पाँच बटा चौदह, इसका मान ज्ञात करना था और ये मान हमको मिल गया पाँच बटा चौदह, यही हमारा उत्तर है।